हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर। आज हम करेंगे लोरियल की एडवांस कलर थ्योरी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में मैं आपको लोरियल की बेसिक थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने 10 बेस शेड पढ़े थे और उसके अंदर के अंडरकोट। 10 बेस शेड होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन या ब्राउन, फिर लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड या मीडियम ब्लॉन्ड, फिर देन लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड या वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड। वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड को आप एक्सट्रीम लाइट ब्लॉन्ड भी कह सकते हो। ये अंडरकोट होते हैं जो बेस शेड के अंदर अंदर से रिफ्लेक्शन देने के लिए अंडरकोट होते हैं, जो कि चार लेवल तक रेड 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 होता है। उसके बाद रेड ऑरेंज, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, पेल येलो और पेल स्टेपल। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब है इससे आगे फैशन शेड, वो पढ़ाते हैं। ये 8 टाइप के फैशन शेड होते हैं हमारे लोरियल में। पहले नंबर पर आता है एश, फिर आता है इरिडेसेंट, फिर गोल्ड, कॉपर, मोगनिया, रेड, मैट और मोका। ये 8 टाइप के फैशन शेड लोरियल में आते हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आपको टिप्स पे कैसे याद रखें, क्योंकि जब आप काम करेंगे या हर बार अपने नोट्स या बुक या फिर अपना फ़ोन उठा के नहीं सर्च करेंगे कि पांचवें नंबर पे कौन सा है, तो इनको याद करने का सबसे ईजी तरीका है, एक छोटी सी लाइन है जिसके अंदर ही सारे आ जाते हैं। मैं बोलता रहूँगा और साथ ही साथ में दिखते रहेंगे आपको। ये इनका कलर और नाम के हिसाब से आपको दिख के, इनके नाम के हिसाब से क्या कलर है वो भी अब मैं बताता हूँ याद कर सकें। जैसे ऐश, ऐश फॉर आज, इनके घर, चलना, मंजूर, रहा, मुझे और मुझे भी। ठीक है, इसमें मुझे और मुझे भी दो बार है। ठीक है, अब इनके फर्स्ट लेटर से इनको कोरिलेट कर सकते हैं आप। पहली बात तो ये, आज इनके घर, चलना, मंजूर, रहा, मुझे और मुझे भी। सिंपल सा फैक्ट है, इनके पहले पहले लेटर से सारे मैच हो गए, इससे आपको याद हो जाएगा। अब आ से आज, इनके घर, घर से जी फॉर गोल्ड, चलना सी फॉर कॉपर, मंजूर एम फॉर मोगनिया, रहा आर, रहा के अंदर आ आता है तो आर फॉर रेड, मुझे मैट, रहा मुझे भी तो मौका। थोड़ा सा एक बार दिक्कत होगी पर मतलब थोड़ा सा माइंड सेट कर लोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये यूज कैसे होता है, कैसे इनका रिफ्लेक्शन आता है। एक्चुअली ये कलर इनका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लू कलर करना है तो ऐश डाल दिया या फिर ये इरिडेसेंट डाल दिया, वॉयलेट कलर आ गया। ठीक है, 7 नंबर कलर डाल दिया तो ग्रीन कलर आ गया, मैट 0.7 डाल दिया तो ग्रीन कलर आ गया, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये कलर कलर देने के लिए नहीं, ये सिर्फ इनके फैशन शेड है, हल्का सा टिंच देने के लिए। जैसे कि अब आप किसी को 7.7 देते हो, 7.7 7 नंबर का आपका जो कलर होता है मीडियम ब्रॉन्ड, ब्रॉन्ड जिसको खाली ब्रॉन्ड भी बोल सकते हैं, और 7 नंबर का मौका होता है तो उसके अंदर आप कह सकते हो कि उसके अंदर ग्रीन का रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर इस टाइप का ग्रीन नहीं आएगा, इसके लिए आपको क्रेजी कलर यूज करने पड़ते हैं। ये मतलब इनमें से कोई सा भी जो आपको कलर दिख रहा है फैशन शेड, ऐसा कलर नहीं देता, ये सिर्फ टिंच देता है। टिंच रिफ्लेक्शन कहते हैं, फैशन शेड के रिफ्लेक्शन है ये। सबसे बड़ी बात ये कि अपने माइंड में सेट करो कि ये कलर नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है जो सिर्फ रिफ्लेक्शन दे रहे हैं किसी चीज का भी। और ये एज ए कटर भी यूज होते हैं, वो कैसे होते हैं वो बताएंगे बाद में। अगर आपको रेड डालना है, अगर रेड में से अगर आपको चाहिए तो माजी कंट्रास्ट की जो लोरियल की ट्यूब आती है वो ट्यूब से आप रेड कलर ले सकते हो। अगर आपने सोच लिया 7.6 में डाल दूँ, 6 पे रेड आता है, ठीक है 7.6 जैसे इसमें दिख रहा है आपको 6 पे रेड है, 7.6 मतलब ब्लॉन्ड विद रेड, या फिर 5.6 कोई भी 6, तो उसमें रेड का रिफ्लेक्शन आएगा, रेड कलर नहीं आएगा। मतलब थोड़ा सा रेड जैसा दिखेगा लेकिन वो प्रॉपर वैसा रेड नहीं दिखेगा, ये टिंच है। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो हाँ, रेड कलर लोरियल में अवेलेबल है, माजी कंट्रास्ट के नाम से एक अलग से स्पेशल ट्यूब आती है, वो रेड कलर देता है, बहुत अच्छा रेड कलर देता है। इवन अगर वैसे आपको कुछ ये ब्लू ग्रीन कलर और कुछ भी, तो उसके लिए आपको अलग से कलर, क्रेजी कलर टाइप लेना पड़ेगा, प्रॉपर ग्लोबल या जैसे भी आपको चाहिए, तो उसके लिए अलग से कलर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हुआ अलग बात। अब फैशन शेड यूज कैसे करते हैं, किसमें कैसे होता है। अब फैशन शेड की ट्यूब दो टाइप से आती है, दो टाइप से, एक सिंपल शेड में, एक डबल शेड में। कैसे, जैसे 5.3 ये हो गया आपका लाइट ब्राउन विद गोल्ड, एक 5.34 ये लाइट ब्राउन विद गोल्ड और कॉपर, दोनों के अंदर एक 5.3 में लाइट ब्राउन है और गोल्ड कलर का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब गोल्ड कलर का रिफ्लेक्शन कैसे, अगर 5 नंबर की ट्यूब आप सिर्फ 5 नंबर की ट्यूब करते हो तो आपको सिर्फ ब्राउन कलर का कलर मिलता है, जो लाइट ब्राउन कलर का कलर मिलता है।
अगर आप 5.3 करते हो तो उसके अंदर हल्का सा गोल्ड का टिंच आ जाएगा, एक शाइनी गोल्ड टाइप की शाइनिंग। गोल्ड कैसा होता है, हल्का सा गोल्ड को माइंडसेट कर लो कि गोल्ड मतलब येलो कलर, ऐसा आता नहीं है सेम, लेकिन हाँ गोल्ड को येलो से डिनोट करते हैं, येलो कलर ही गोल्ड माना जाता है। ठीक है, अब क्या है, 5 मतलब लाइट ब्राउन और 5.3 मतलब लाइट ब्राउन विद गोल्ड रिफ्लेक्ट, 5.3 लाइट ब्राउन विद गोल्ड और कॉपर रिफ्लेक्ट। 5 नंबर में सिर्फ आपका लाइट ब्राउन का कलर होगा, अगर आप उसके अलावा 5.3 किसी लगाते हैं तो उसके अंदर 80% तक आपका, 80% तक आपका सिर्फ ब्राउन कलर है और 20% आपका रिफ्लेक्शन भी ऐड हो जाता है, 20 या फिर 40% भी रिफ्लेक्शन होता है आपका, 60 या 50% तक ब्राउन रह जाता है। अगर आपने वही चीज यूज कर ली 5.34 कुछ भी लगा सकते हो आप, 6.78 5.13 कुछ भी, मैं तो जैसे एग्जांपल बता दिया, जैसे अब मैंने आपको इतना बता दिया तो मैं उसी सीरीज में बता रहा हूँ आपको। अब 5.34 लगा दिया आपने किसी के, तो अब उसमें क्या है कि 5 नंबर का कलर उसके अंदर सिर्फ ब्राउन हल्का सा रहेगा, मतलब 50% 50 में से भी 30% आपका गोल्ड हो गया, 20% कॉपर हो गया, क्योंकि 3-4 में भी 3 पहले है, 3-4 में भी मतलब फैशन शेड में भी जो पहले होगा उसकी मेजोरिटी 60% होती है, 60-70%, तो 3-4 में भी 3 ज़्यादा आएगा, 4 कम आएगा। अगर ये 4 और 3 होता तो कॉपर 30% आता, 20% सिर्फ गोल्ड आता, कुछ भी हो सकता है, 5.43 हो सकता है, 5.34 भी हो सकता है, कलर तो आपके होटी लेना ना कि क्लाइंट को चाहिए क्या। ठीक है, ये बात हुई है। ओके, अब होता क्या है, जस्ट लाइक कि कोई क्लाइंट आ गया, जस्ट लाइक कोई क्लाइंट आ गया, उसका 4 या 5 नंबर के हेयर है, लेकिन उसके वाइट हेयर भी हैं, वाइट हेयर ग्रे कवरेज, ग्रे हेयर है। ठीक है, अब वो कहता है मुझे फैशन शेड का कलर चाहिए, अब मुझे चाहिए 6.34 कुछ भी, लेकिन आपको मेजर करना होगा कि ग्रे कवरेज कितना है। अगर उसका 0 से 30% तक, मतलब 30 ऑल ओवर हेड का 30% तक ग्रे कवरेज है, तो आप कोई भी फैशन शेड वो मांगता है उसको दे दो, वो कवर अप ले लेगा, 20-30% तक अगर उसका ग्रे कवरेज है तो वो कवर अप ले लेगा। ठीक है, कोई भी फैशन शेड 6.6, 5.6 या 5.72, 5. कुछ भी 4, मतलब बेस शेड में 6% तक का ग्रे कवरेज हमारा, बेस शेड जो होते हैं हमारे 1 से 10 तक के, उसमें 1 से 6 तक के जो बेस प्यूब होती है हमारी, वो 100% तक ग्रे कवरेज करता है। 7 में आने के बाद वो आपके वाइट हेयर मतलब ग्रे हेयर पे कलर तो चढ़ा देता है, लेकिन उसको अलग सा टिंच देता है, मतलब चमकीला चमकीला सा रह जाता है, मतलब वो कलर तो होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट टाइप का कलर होता है ना, अजीब सा, मतलब वो प्रॉपर कलर नहीं दे पाता, 7, 8, 9 ये आपको प्रॉपर कलर नहीं दे पाते। 6 लेवल तक के बेस शेड, ओनली बेस शेड, सिंगल बेस शेड 100% ग्रे कवरेज देते हैं, और सच में देते भी हैं, एप्लीकेशन अच्छी हो तो देते 6 नंबर का भी कलर। ठीक है, अब मैंने बताया कि आपका किसी का ग्रे कवरेज 0 से 6% तो देते देता है, 7% भी कुछ परसेंट देता है। ठीक है, अब होना क्या है, अगर किसी का ग्रे कवरेज है लेकिन 30% ही, मतलब बहुत कम ग्रे कवरेज है कह सकते हो आप, तो और उसे फैशन शेड चाहिए, तो उसको आप 6. कुछ दोगे, 6.2 दोगे, 6.3 दोगे, 6.34, 6.73, 6.8 कुछ भी दोगे आप, तो वो 100% ग्रे कवरेज कर लेगा, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया कि 6 नंबर का खाली बेस 100% ग्रे कवरेज करता है, लेकिन जब वो फैशन शेड के साथ इंक्लूड होता है तो वो 100% ग्रे कवरेज नहीं करता। लेकिन अगर 30% मतलब कुछ ही परसेंट के हेयर हैं, कुछ ही परसेंट के हेयर हैं, तो वो ग्रे कवरेज कर लेगा। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आपके 30% से ज़्यादा हेयर ग्रे कवरेज है, मतलब पूरे हेड में 50% ग्रे कवरेज है, ठीक है, तो आपने करना क्या है, अगर आप उनको कलर चाहिए, उनका कलर 3 नंबर का, उनको 6 नंबर का कलर चाहिए, तो आपने क्या करना है, हेयर मिलाना है, 6. उनको 6.3 का कलर चाहिए। ठीक है, डार्क ब्लोन के साथ उनको गोल्ड रिफ्लेक्शन चाहिए, तो आपको सिंपल सा करना है, डार्क ब्लोन विद गोल्ड रिफ्लेक्शन, मतलब 6.3 की ट्यूब लेनी है, 70% ट्यूब डालनी है, उसके अंदर 30% डालोगे आप सिर्फ खाली 6 नंबर का बेस शेड, क्योंकि बेस शेड खाली डालोगे, क्वांटिटी मेजरिंग करना बता रहा हूँ। ठीक है, 30-70 मिला लेना, अगर 50% तक का है, 30 से 50% तक है, 30% से कम में तो जरूरत ही नहीं है, अगर 30 से ज़्यादा है और 50% तक है तो आप उसके अंदर, या लेस देन 50 लगा लो, 50 लगा लो, तो उसके अंदर आप 30% तक बेस शेड मान लोगे। मान लो अगर आपने, या फिर एक पूरी ट्यूब 50 ग्राम की आपने कलर ट्यूब की लगाई है, पूरी ट्यूब कलर ट्यूब की एक 50 थी, वो 6.3 की आपने ले ली, तो 50 के हिसाब से आपको
15% मतलब 15 ग्राम कम से कम ओनली 6 नंबर का बेस मिलाना पड़ेगा, मतलब 70-30 का रेशियो हो जाएगा, 70 और 30 टोटल इम्यूनिटी सो हो गया। तो जितना भी आपने फैशन शेड लिया उसका 30% अलग से सेम उसी का बेस मिला दो। अगर आप यही चीज 5 ट्यूब के साथ करते 5.5.4 दे रहे हो किसी को, तो उसके अंदर ओनली 5 नंबर का बेस आप मिला लो। जो बेस आप मिलाओगे वो ग्रे कवरेज से काम आएगा, ग्रे कवरेज में पेंट दिखाएगा, डजंट मैटर, क्योंकि 5 नंबर का बेस शेड आपका 5 नंबर का, उसका फैशन शेड से कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी, वो आपके फैशन शेड को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन बात यह है कि आप कलर मिलाते होते ही मिलाओगे, डजंट मैटर कि मैंने पहले ये कर लूँ फिर वो कर लूँ, ऐसा नहीं होगा, डबल डबल मेहनत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो पहले 5 नंबर का कलर होगा फिर 5.3 का कलर होगा तब ऐसा होगा, लेकिन दो दो बार मेहनत करना और दो दो बार कलर लगाना बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा। अगर करना भी चाहते हो तो पहले सिर्फ 5 नंबर का बेस करना, फैशन शेड के ऊपर बेस चढ़ाओगे तो बेस तो कवर प्ले लेगा, फिर फैशन शेड आपका गायब हो जाएगा। वैसे तो करना ही नहीं है, अगर करना है तो पहले 5 नंबर का बेस फिर 5.3 का फैशन शेड, ऐसे करना है, नहीं करना वैसे तो, क्योंकि सब आपने सो मतलब जितनी ट्यूब मिलाई है उसका 30% अलग से 5 उसी नंबर का बेस मिला दो, खत्म कहानी ये चीज। अब 50 से ज़्यादा 100% तक मतलब बहुत ज़्यादा ग्रे कवरेज है तो 50-50 कर दो, जितनी ट्यूब उतना ही मतलब उसी के हिसाब से 50-50% मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। 50% ट्यूब फैशन शेड की, 50% बेस शेड की मिला के लगा दो, दैट्स इट, ऐसे आपका कवर अप आ जाएगा ग्रे कवर पे और आपको फैशन शेड का टेंशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये था फैशन शेड, याद आपको हो गए होंगे ग्रे कवरेज कैसे करनी है फैशन शेड में, क्योंकि बेस शेड में मैंने ये चीज इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि बेस शेड में इस टाइप की प्रॉब्लम आती ही नहीं है, बेस शेड में कवर अप हो जाता है इजीली, इसलिए फैशन शेड में बताने के लिए रखा था। ये था आपका लॉरियल की एडवांस, अभी आपको कुछ इसमें इश्यूज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, थैंक यू सो मच।